हेलो विवर, कैसे हैं आप? आज मैं आपको चापे बनाना बता रही हूँ। और उसके लिए देखे, मैंने जो जो चीज़ें रखी हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, टैनिन की दही योगर्ट, और ये देखें हल्दी, मिर्चे, ये धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, और ये चाट मसाला और नमक सॉल्ट, और ये एक प्याज मैंने काट के रखी है, और ये हरा धनिया, हरी मिर्ची, एक लेमन, और ये कश्मीरी लाल मिर्च। ये देखें इधर, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने गोश्त में अदरक लहसुन का, ये बकरे की चापे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के और योगर्ट डाल के और ये सब मैंने मसाले एक एक चमचा इसमें ऐड करके मैंने इसको रात को मैरिनेट किया। अब ये है कि थोड़ा सा जो वो मुझे कमी लग रही थी, तो मैं थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, अदरक का नहीं, लहसुन का, क्योंकि ये देखिए मैंने जो कमी थी वो अभी, अब ये कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, इसलिए कि इसकी रेडनेस के लिए। इसको राइट अवे ब्रश डालो तो ज़्यादा मज़ा आता है, कलर भी अच्छा आता है, इसलिए मैं अब मिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। देखिए उसके बाद फिर मैं इसको कैसे बनाती हूँ, मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने रात ही को रख दी थी, उसके मसाला लगा के तो ज़रा मसाला अच्छे से बैठ जाता है। तो फिर ये है कि इसको बनाने में और खाने में इतना मज़े का जायका आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये मसाला ज़्यादा होगा तो आपको मसाला लगी चापे और अच्छे मसाले की, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी सी हो तो अच्छा लगता है, गीला गीला सा। ये देखें मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी तो थोड़ा रेडिशपन आ गया है थोड़ा सा, देखिए ठीक है। क्या मैंने क्या बताया आपको, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, योगर्ट आधी प्याली, बल्कि एक प्याली ले लें, क्योंकि ज़्यादा चापे हैं तो बड़ी प्याली लेंगे हम, तो एक प्याली ली। और मैंने हल्दी, मिर्चे, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, ये मैंने ऐड किया, और ये ज़ीरा भुना हुआ 1 चमचा, और भुना हुआ धनिया ये 1 चमचा, ये मैंने इसमें ऐड किया है रात को। और अभी कश्मीरी मिर्चें मैंने आपके सामने ही डाली हैं, ठीक है। अब मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ प्रोसेस, आप देखिएगा। ये हस्बे रवायत मेरा चमचा ऑयल का नाम जो मैं बता रही हूँ, 3 चमचे मैं डालूँगी ऑयल, ठीक है। 1, 2, और ये 3, ठीक है। और ये मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, और ये इसमें मैं ऑनियन डालूंगी फर्स्ट, ये ऑनियन डाल दी मैंने। अभी देखिए ऑनियन हो रही है, थोड़ी देर के बाद ये ज़रा सी सी गुलाबी हो जाएगी, इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा, तो मैं ये सारा मीट वगैरह जो टेंडर किया हुआ है वो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पिंक होने तक, अच्छे से पिंक हो जाए। अभी देखिए आवाज़ आ रही है, दो प्याजे थी मीडियम साइज की, अब ये है ना, मैं इसमें अब मेरी रेडी होगी प्याज, देखिए कैसी प्यारी सी गुलाबी सी अच्छी सी लग रही है। अब इसके अंदर जो है मैं अब ऐड कर दूंगी सब जो मैंने मसाला रेडी किया था, स्पेशला बहुत प्यारा था कि मुझे बहुत पसंद है ये अपना। और ये देखिए सारा मसाला इसीलिए साफ हो जाता है। कंप्लीट
अब ये मैंने इसे देखिए लाहौरी नमक पिंक जो हमारे पाकिस्तान की फेमस बहुत ही, ये मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ माशाल्लाह से। मैं डाल चुकी थी वैसे, थोड़ा सा और मैंने डाल दिया। ये देखिए ये मैं इसको पकने रखूँगी, तो जैसे ही गलेगा उसके बाद मैं आपको इसको एंड तक पहुँचाऊँगी, दिखाऊँगी। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है माशाल्लाह। इस कश्मीरी मिर्च बिल्कुल जब आप स्टार्ट करें उस वक्त डालें, क्योंकि वो कलर जो है देना शुरू कर देता है। अगर पहले से आप डालेंगे तो इतना वो नहीं होगा, ताज़ा ताज़ा फ्रेश कलर। अब ये रेडिश, अब इसको मैं फ्लेम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे रख रही हूँ, और जैसे गोश्त गलता है तो मैं, क्योंकि मैंने टेंडर भी थोड़ा सा कर लिया था ताकि थोड़ा सा डाला था, कच्चा पपीता डाल दें या टेंडर पाउडर डाल दें जो आपको अवेलेबल हो, कोई ख़ास वो नहीं, जो भी चीज़ आपको मिल जाए। अच्छा काला नमक भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है ब्लैक पेपर के साथ साथ, और ये गरम मसाला मैं जब रेडी हो जाएगा तब मैं डालूँगी गरम मसाला, अभी नहीं, थोड़ा सा ऊपर से ये सब फ्रेश ताकि खुशबू आए गरम मसाले की। क्योंकि देखें मैं इसको पकने रख रही हूँ, तकरीबन 10 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। व्यूअर मैं अब इसको चेक कर रही हूँ, देखूँ कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें, देखें माशाल्लाह वो बुनाई पे आ रहा है, और इसकी मैं कटाई करूँगी, बुनाई करूँगी, जो कि अभी रेडी हो रहा है माशाल्लाह। देखिए देखने में कितना लुक आ रहा है, कश्मीरी मिर्चों का कलर भी माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है, और जायके में भी नज़र आ रहा है। ये 1 किलो मैंने चाटी ली थी, और इसमें 1 कप दही लिया था, और 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हल्दी सॉरी, और 1 आधा चम्मच मैंने ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट और अपना लाहौरी नमक, और मैंने इसमें लेमन, 1 लेमन ऐड किया था, उसका आधा जो है देखिए मेरा आधा मैंने इसमें डाल दिया था, आधा मैंने रुकाया, फिर मैं डालूँगी गार्निश करते वक्त। ठीक है, अब आप इसको देखें माशाल्लाह। अब मैंने कहा था ना थोड़ी सी ग्रेवी हो तो अच्छी लगती है चाटी, तो ये ऐसे करके ये बनाया, लुक लाइक बी ब्यूटीफुल माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ऐसे बना के देखिएगा, बहुत मज़े का ये बनता है। और गार्लिक में थोड़ी बारीक बारीक अदरक काट के डालूँगी, हरा धनिया और हरी मिर्ची ऊपर से डालूँगी, जो इसकी खूबसूरती मैं 4 चांद लगा दूँ। देखो आप माशाल्लाह, मैं भूल के जा रही हूँ। मैंने कहा था ना मैं अभी इसको हरी मिर्ची डाल के थोड़ी सी देख ली है, छोड़ रही हूँ खुशबू के लिए। अब ये देखें मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट छोड़ा था, तो माशाल्लाह देखें अब मैं डिश आउट कर रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये रही हरी मिर्च जो मैंने डाली थी खुशबू के लिए, अब बिल्कुल रेडी हो गया है, देखने में भी लुक कितना अच्छा आ रहा है। और ये देखें अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। ठीक है, मैं फ्लेम बंद करती हूँ। ओके, ये देखें चमचे से देखिए ग्रेवी, मैं आपसे कह रही थी ना कि इसकी 2 प्याज मैंने इसलिए डाली है कि कम से कम इतनी अच्छी सी ग्रेवी हो कि नान पराठे जिससे भी आप खाना चाहें तो आराम से आप खा सकें माशाल्लाह। देखिए कैसे अच्छा लग रहा है। और मैंने 3 चम्मच ऑयल डाले थे, देखा था आपने ना कि बिल्कुल मेरा जो नाप है वो ऐसा है कि बस ना ऑयल इधर जाता है ना उधर, अपने मुझसे
बिल्कुल एग्जैक्ट उस पे आता है। अब ये मैं ऑयल ऊपर से इसको डालूंगी, पूरा मसाला यूज करूँगी, खाने में अच्छा लगे। वाह, खुशबू भी इतनी बेहतरीन आ रही है। कंप्लीट ऑयल में डाल दूँ, बादर भी नहीं करता, यह ऑयल अच्छा लगता है। इसको कंप्लीट उसमें, अब इसको मैं आगे देखें, माशाल्लाह हरी मिर्चे ऊपर से और यह हरा धनिया डाल दिए और यह अदरक कटी हुई बारीक, और ये देखें अब इसको और फीडबैक जो भी है दीजिएगा। पहले मैं डाल रही हूँ ऊपर से, अच्छे कमेंट दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी, आप इस तरह से इसको साफ देखें जैसे मैंने बनाई है एज इट इज़, बिल्कुल आप इसी तरह बनाइएगा और फिर आप मेरे जायके को याद रखिएगा। और चलें अब मेरी तरफ से, ओके बाय।